अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए और इस घंटी के आइकन को दबाकर लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स पाइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक इंडियन घर। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू चिकन पेटीज। आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है। पांच बड़े आलू जिसे हमने उबाल कर मैश कर लिया है। चिकन, इसे हमने उबाल कर इसके रेशे कर लिए हैं। एक छोटी शिमला मिर्च, इसे हमने बारीक काट लिया है। तीन से चार हरी मिर्च, इसे भी बारीक काट ले। कोथमीर, इसे भी बारीक काट ले। चीज, जिसे हमने क्रश कर लिया है। आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, एक अंडा और ब्रेड क्रम्स। आइए बनाना शुरू करें आलू चिकन पेटीज। सबसे पहले हम आलू चिकन पेटीज का मिक्सर रेडी करेंगे। इसमें डालेंगे रेशे करे हुए चिकन, नमक स्वाद अनुसार, अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटी हुई कोथमीर और बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। इन सब चीजों को डालकर हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ये बहुत ही आसानी से बन जाती है फ्रेंड्स और बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करें। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए फिर हम इसमें डालेंगे क्रश चीज, और इसे भी अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इसे हमने अच्छी तरीके से मिला लिया है। अब हम इसे शेप दे देंगे, थोड़ा सा पोषण ले और इसे अच्छी तरीके से शेप दे दें। इस तरीके से इसे शेप दें। इसी तरीके से हम बाकी सारे आलू चिकन पेटीज को शेप दे देंगे। आलू चिकन पेटीज को हमने शेप दे दिया है। अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग के लिए एक अंडे में थोड़ा सा दूध डालेंगे। और इसे अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। और इसे अच्छी तरीके से फेंट ले। इसको हम अंडे और दूध के मिक्सचर में डीप करेंगे। इसे अच्छी तरीके से डीप करें। इसे रख कर ब्रेड क्रम लगाएंगे सूखे हाथों से। अच्छी तरीके से इसे ब्रेड क्रम से कोट कर ले। और इसी तरीके से हम बाकी सारे पेटीज को कोट कर लेंगे। आलू चिकन पेटीज की कोटिंग हमने कर ली है। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तेल हमने गरम करने रख लिया था। अब एक एक करके हम पेटीज को डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे। आहिस्ते से डालें, इसे गोल्डन होने तक फ्राई करें। अब हम इसे टर्न कर लेंगे और दूसरी तरफ से भी इसे फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये एक तरफ से अच्छी तरीके से गोल्डन हो चुका है। अब हम दूसरी तरफ से भी इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे।
ये दोनों तरफ से अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है फ्रेंड्स। हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी सारी पेटीज को फ्राई कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, तैयार है आलू चिकन पेटीज। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू फ्रेंड्स।